press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Balanced forces यानी संतुलित बल 17वीं और 18वीं सदी के बीच के मशहूर इंग्लिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीन नियमों का आविष्कार किया, जिनमें से पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल बैलेंस्ड यानी संतुलित हैं, तो वस्तु का एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है या ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब है, आइए इसे एक घोड़े के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम पहला फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल लेंगे, जो कि अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। मैग्नीट्यूड में ये फोर्स घोड़े के वेट के बराबर होगा। यहाँ पे घोड़े से अर्थ के सेंटर की तरफ एरो खींचा गया है। घोड़े पे अगर यही एकमात्र फोर्स लगता है तो जमीन में धंस जाता, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ कोई ऐसा फोर्स होगा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के उल्टी दिशा में लगेगा। यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साइज का ही एक एरो उसकी उल्टी दिशा में खींच दिया है। इस फोर्स को रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्योंकि रिएक्शन फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस घोड़े के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्स के पेयर होंगे। घोड़े पे दूसरा फोर्स भी लग रहा है। घोड़ा आगे की ओर चल रहा है, इसलिए घोड़े के पैरों में एक ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल होगा। ड्राइविंग फोर्स उस फोर्स के उल्टी दिशा में लगता है जो घोड़े की स्पीड को कम करने का प्रयास करता है। और अगर घोड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल और एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स को फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस करता है। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस के पेयर हैं, और अब घोड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर घोड़ा एक्सेलरेट करता है, मतलब अगर उसका वेग बढ़ रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। इस केस में ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस से बैलेंस नहीं होगा। अब ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी असंतुलित बल होंगे। तो समरी में, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, या फिर डिसेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी घटेगी।